मेरे घर के बाजू में मेरे दोस्त को थी, वो टीबी की बीमारी किसको ना हो, टीबी में क्यों कंटिन्यू खांसना आता है, उसको डॉक्टर साहब ने बोले तो गोली लेना, इलाज करना, उन्होंने बरबर उस पर ध्यान नहीं दिया, बाद में दो तीन महीने उसको अच्छी खांसी होने लगी और ख़राब हो गई उसकी तबीयत। मैम आपको टीबी के बारे में क्या पता? टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है, खांसी होती है, वीकनेस होती है लोगों को, कभी कभी खून आ जाता है थूक में। अच्छा, आपको कुछ इलाज के बारे में पता है? इलाज के बारे में हाँ सुना है, टीवी पे देखा है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह डॉट्स वगैरह के बारे में सुना है, ज़्यादा इतना। तुम्हारा का टीवी बदल माहित है? नहीं तुम्हें माहिती नहीं, आम्हाला कोकणा येते बा। अच्छा, आणि ट्रीट इलाज वगैरे काही माहिती नाही? ते त्याचं काही समजत नाही आम्हाला, इलाज वगैरे काहीच नाही, ते समजत नाही। ठीक आहे भैया, आपको टीबी के बारे में क्या पता? टीबी बोले तो शहरोग बोलते उसको, उसमें फेफड़े में बीमारी होती है उसको, उसमें खांसी वगैरह आती और शायद खांसी के साथ साथ उसमें खून भी आता और उसमें वीकनेस वगैरह आती, वीकनेस वगैरह। और इलाज के बारे में कुछ पता है क्या? इलाज इतना तो मेरे को कुछ पता नहीं, पर शायद वो मेन हॉस्पिटल अकोला वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा था वहाँ पर इलाज कर रहे थे वो अच्छे से। डॉक्टर साहब मेरे भाई को दो तीन हफ्तों से बहुत ज्यादा खांसी आ रही है इनको, और कभी कभार इनकी खांसी में खून भी आया है। और कुछ? हाँ, रात को कई बार उड़ जाता है अचानक से, बहुत ज्यादा खांसी आते हैं। खाने वाने में सब सही है? नहीं, कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खा रहा। खाना नहीं खा रहा? अच्छा ठीक है। और बुखार भी रहता है इनको? बुखार भी रहता है। ठीक है, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, अभी टेस्ट कराइए, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। पहले हमने दवाएं ली है वैसे, अभी टेस्ट करिए फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। ओके ठीक है। ठीक है। देखो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 6 महीने का कोर्स है, कम्प्लीटली क्योरेबल है और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। देखो ये दवाइयाँ होती हैं, इसको दिन में 3 बार लेना होता है और पूरा 6 महीने का कोर्स अगर पूरा करोगे तुम तो ये बीमारी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। डॉक्टर मैंने सुना है कि ये बीमारी जानलेवा है। देखो अगर तुम टाइम पे दवाई लेते हो और पूरे 6 महीने का कोर्स पूरा करोगे, अगर बीच में मन नहीं करोगे दवा तो फिर ये क्योर हो जाएगी। डॉक्टर इसमें खर्चा कितना है? खर्चा कुछ नहीं, सब सरकार उठाएगी, तुम्हें बस यहाँ आना और दवाइयाँ लेनी है।
इससे लेकिन मेरा रोजमर्रा का काम प्रभावित तो नहीं होगा? अरे बिल्कुल नहीं, इसकी तो बिल्कुल टेंशन मत लो। बस तुम्हारी एक जिम्मेदारी जो बनती है वो है कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है तुम्हें, तुम्हारे बीवी तुम्हारे बच्चे उन्हें ना हो। ध्यान रखना कि जब तुम्हें खांसी हो तो आगे हाथ लगाना, और स्पेशली मास्क हो सके तो यूज करना। मुझसे ले जाओ वरना यहाँ पे अवेलेबल है वहां से ले लेना। बैठ जाइए। इनको हुआ क्या है? डॉक्टर साहब आज इनको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है सुबह से, और इनको बहुत खून भी आया था और ये लड़खड़ा के गिर गया था। तो इनको पहले भी ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ पहले हुआ था, तब हमने इसको चेकअप करवाया था, और ये रही इनकी रिपोर्ट। इनको तो इसमें टीबी डायग्नोस हुआ है, तो इन्होंने इसके लिए उपरोक्त दवाई सब ली थी क्या? हाँ हम डॉक्टर्स गए थे, इसने दवाइयाँ ली, फिर एक महीने तक दवाइयाँ ली, फिर ये ठीक हो गया था। इसके खांसी में काफ़ी सुधार था और खाने भी अच्छे से खाने लग गया था, काफ़ी सही हो गया था, फिर आज अचानक से पता नहीं। ठीक है आइए इसको चेक करते हैं। ओके। क्या हो डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? इन्होंने पूरा कोर्स नहीं लिया है, इसके कारण इनको इनका टीबी और बढ़ गया है, और ये बहुत ही आक्रामक प्रकार का टीबी हो गया है। इसको हम एमडीआर टीबी बोलते हैं, और इसके लिए इनको पूरी दवाई लेनी पड़ेगी और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। विश्व में हर वर्ष 1 करोड़ लोग टीबी से ग्रस्त होते हैं, जिसमें 30 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत विश्व में दूसरे स्थान पर टीबी से ग्रस्त देश है। अभियान चल रहे थे, चल रहे और चलते ही रहेंगे, पर कितने ही बच्चे ये बचा सके ये आंकड़े आपके सामने हैं। आज की तारीख और ये वक्त दर्ज कर लीजिए, अगर हमने अमल नहीं किया तो हमें भारी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। कदम छोटे हैं पर विचार नहीं, रहा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हम मंगल पर जाने की बात करते हैं, लोहा मानते हैं अपनी आधुनिकता का, हम इंसान को बुद्धिजीव समझते हैं पर उसकी छोटी सी कोशिश नाकामयाब है। शुरू तो किया है पर पहुंचे नहीं है, प्रयास तो किया है पर सफल हुआ नहीं है। वी फाइट यू लिव, वी स्टैंड यू प्रोसीड, वी स्ट्राइव यू सक्सीड। टीबी खत्म करने के लिए उठाया गया हर कदम सीधे सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है, लेकिन मैं आज इस मंच से ये घोषणा कर रहा हूं कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया है।